फाइंड द वैल्यूज ऑफ सच लेमडाट लाइन एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू टू कैन नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल तो कोई भी तीन तब फॉर्म नहीं कर सकती हैं आधर उनमें से कोई सी दो क्या हो जाए पैरल हो जाए है ना या फिर क्या हो जाए तीनों लाइन्स एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें इस तरीके से है ना तो अगेन हमारे पास में दो लाइन्स क्या है एक्स प्लस टू वाई प्लस सॉरी इज इक्वल टू थ्री ओके

हमारे हमारे पास पास में में तो तो ये वैल्यू क्या से ये हमारे पास में आ गया अब लैमडा की वैल्यू क्या क्या नहीं होना चाहिए सी लैमडा इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि इन दोनों में से किसी भी एक लाइन के पैरल हो जाए तो इस लाइन का स्लोप देखूंगा तो क्या आता है इस लाइन का स्लोप है हमारे पास है माइनस वन टू इस लाइन का स्लोप है हमारे पास में थ्री अब हमारे पास में जो इक्वेशन है वो क्या है वाई इज इक्वल टू माइनस लेमडा एक्स प्लस टू तो मीन्स माइनस लेमडा की वैल्यू क्या होनी चाहिए इसके स्लोप की इक्वल होनी चाहिए तो माइनस लेमडा कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस वन बाय टू एंड थ्री तो मीन लेमडा की वैल्यू क्या नहीं हो सकती lambda की वैल्यू माइनस थ्री नहीं हो सकती दो वैल्यूज तो ये नॉट पॉसिबल है और तीसरी कंडीशन क्या है कि जो हमारी लाइन है लेमडा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू वो इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास नहीं करे मीन फाइव बाई सेवन को एट बाई सेवन से पास नहीं करे तो देखा लेमडा इन टू फाइव बाई सेवन रहेगा प्लस में एट बाय सेवन इज इक्वल टू टू नहीं होना चाहिए ठीक है ये नहीं हो सकता तो लेमडा क्या जाएगा उस केस में हमारे पास में लेमडा इंटू फाइव बाई है हमारे थ्री तो लेमडा की तीन वैल्यूज पॉसिबल है लेमडा कैन नॉट बी इक्वल टू वन बाय टू माइनस थ्री एंड सिक्स बाय फाइव ये तीन वैल्यूज पॉसिबल नहीं है सो दिस इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन